आया। क्या कर रहे हो कछुओ? मेरी तरह तेज भागो। मस्त है। हे, जल्दी करो। कहीं चोर भाग ना जाए। ये पेड़ बड़ा मस्त है। लॉटी, उस पेड़ से बचो। जल्दी नहीं बता सकते थे। जल्दी चलो। हे, तुम जिंदा तो हो ना? देखूं तो। अरे, वो देखो कितना सुंदर है। मैं उसे छूकर देखना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे। अरे, वो एक शेर है जो अपना खाना खा रहा है। क्या वो चोर है? नहीं नहीं, ये देख रहे हो, वो चोर दूसरी तरफ भागा है। चलो जंगली बिल्ली। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चोर भाग जाएगा। वो बिल्ली कितनी सुंदर है, क्या हम उसे रख ले? तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए कुछ आता है क्या? हाँ, तुम इतने खड़ूस क्यों हो नोटी? तुम्हारा स्कूल बैग इतना चमक क्यों रहा है? देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो मेरा बैज है, इसलिए मेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे पीछे कोई है? तुम भी तो देख सकती थी उसे। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? हम खो गए हैं। तुम्हारी बंदूक काम भी करती है या नहीं? बकवास बंद करो, इसके सिग्नल्स में कुछ सुराग छुपा है। क्या? ये गलत नहीं बताती। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सुबह नारू सर ने हमें एक ट्रिक सिखाई थी, मैं इसे इस्तेमाल करके देखती हूँ। ताई ची, दिखाओ अपना कमाल। ये तो बहुत खतरनाक है। अब हम इसे कैसे निपटेंगे? बोलो, अब क्या करें? कौन है वहाँ? तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है लोहे के जूते पहनने वाला ये इंसान? तुम हमारे पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा नहीं, तुम तीनों मेरा पीछा कर रहे हो। तो तुम चोर हो? और सब मुझे चोर समझ रहे थे? मुझे तो बस किसी चीज की तलाश है। फंस गए हो तुम मेरे जाल में, मत बख्शना इन्हें किसी भी हाल में। बहुत ही ज्यादा है। इन्हें कैसे रोकें? इनसे कैसे लड़ें? बच गई। हाँ, मेरी मदद करो, बचाओ। अनुष्का, चलो मिलके इन्हें सबक सिखाएं। चलो, मुंह तोड़े इनका, एक भी नहीं बचेगा। मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। करो सामना दो का एक साथ। जो सबसे तेज होगी उसी की जीत। मेरा स्कूल बैज। जो अब मेरा है। वापस दो मुझे। क्या तुम दोनों भी मुझसे भिड़ना चाहोगे? इस उल्लू की तरह। मुझे बचाओ। नॉटी की मदद करनी होगी। छोड़ो उसे। छोड़ दूं? इस लड़के को तो मैं छूमंतर कर दूंगा। वो भयानक आदमी। सब उसे काली छाया कहते हैं। चलो चलते हैं। तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? आज से हजारों साल पहले काले पहाड़ पर मार्शल आर्ट सीखा जाता था। उसका नाम कालू है, काले पहाड़ का रखवाला। लेकिन उसने काले पहाड़ के साथ गद्दारी की तो उसे महान काले शेर के पत्थर के नीचे दफना दिया गया। फिर वो बाहर कैसे निकला?
सबने सोचा उसे कैद किया गया है, पर असल में ऐसा नहीं था। ये एक साजिश थी कालू को तपस्या के द्वारा और भी शक्तिशाली बनाने की। शायद इसीलिए उसने स्कूल बैग चुराया होगा, है ना? लेकिन वो नोटी को क्यों ले गया? वो मुझे नहीं पता। शायद नोटी की शक्ति से वो उस सील को तोड़ने की कोशिश करेगा। ऐसा अगर हो गया तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। शायद वो नोटी की ताकत को अच्छे से नहीं जानता। पता नहीं वो क्या करना चाहता है। तुम्हारी शक्तियाँ स्कूल बेच के साथ ही काम करती हैं। वही शक्तियों को चलाता है। उस काले शेर के पत्थर पर ही सारे जवाब मिलेंगे। इन शक्तियों के साथ कसके पकड़ लो। बच्चे वो स्कूल बैग मुझे दे दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगे, मैं नहीं दूंगा। मुझे झूठ बोलना बहुत पसंद है। मैं तुम्हें सबके सामने चोर साबित कर दूंगा। झूठ बोलना तो चोरों का काम है, तो चोर तो तुम ही हुए। अरे लड़के, मेरे साथ मस्ती नहीं करने का। मुझे नहीं पता बैच के बारे में। काश तुमने मेरी बात मान ली होती। रुको, किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। मुझे पता था तुम लोग मुझे बचा लोगे। अब मार डालो इसे। तुम तो महान काले पहाड़ के अच्छे रखवाले थे, पर इस तरह बच्चों को परेशान करना तुम्हारे लिए शर्मनाक है। हाँ, मैं था सच्चा रक्षा वाला, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे काले पत्थर में बंद करवा दिया, तो किसके लिए शर्मनाक बात थी वो? पर ये सब तो तुम्हारी ही साजिश थी। हाँ? ये बात तुम्हें कैसे पता? खबरदार, अगर उसके बारे में एक भी शब्द कहा तो। बाढ़ में गई साजिश, अब तुम नहीं बचोगी। अब आएगा मजा। मत जाओ। तुमसे पहले ही कहा था मैं उस शेरनी की मदद करूंगी। नहीं, हम उसे नहीं मरने देंगे। तो क्या उसे मरते हुए देखे? परेशान मत हो, मुझे सोचने दो। गुड बाय प्यारी शेरनी, अपने भगवान को कालू का हेलो कहना। किसने किया ये? क्यों मजा आया धूल चाट के? चिल्लर कहीं के ये लो। अरे स्कूल बैज। मैंने नहीं सोचा था तुम वक्त पर इतने काम आओगे। और तुम दोनों इतने प्यार से बात करोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बिल्लियों को डराने के लिए पटाखे जलाया करता था। लगता है तुमने इस बात का मजा नहीं लिया, है ना? मुझे क्यों मारा रुष्का? बंदर कहीं के, तुम नहीं सुधरोगे। तुम लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, जो मदद करे उसे ही मारती हो। ये लो अपने पास रखो। तुम इसी के लायक हो। माया तुम ठीक हो ना? तुम्हें काफी चोट आई होगी लड़ते वक्त। हमें बचाने के लिए तुमने अपनी जान तक दे दी। सब मेरी गलती है, मैं ही बेवकूफ था। उठो उठो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम इसे किसी तरह बचा सकते हो? तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। माया, ये क्या हो रहा है? तुम कितने प्यारे हो। आज से तुम्हारा नाम डार्लिंग होगा। समझ गए? शायद यही वो शक्ति है पुनर्जीवन की। हाँ शायद। तो क्या तुम इसे अपने साथ रखने वाले हो? बिल्कुल। और तुम इसके लिए रोज खाना लेकर आओगे। हाँ?